पहले थी केंद्र में जाने की ख्वाहिश, अब कर रहे हैं वापसी की जोर आजमाई। जब से केंद्र में बदली है सरकार, अधिकारियों से उतरा दिल्ली का खुमार। जी हाँ, अधिकारियों से उतरा है दिल्ली का खुमार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो पहले तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर अधिकारियों में होड़ मची थी, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अधिकारी जो चयनित हो चुके हैं वो भी दिल्ली की तरफ रुख नहीं करना चाहते, और जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं वो उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान हर कोई दिल्ली जाना चाहता था, ऐसा लगा जैसे होड़ लगी थी अधिकारियों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की, लेकिन दिल्ली में सरकार बदलते ही अब दिल बदल गए हैं अधिकारियों के भी। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान देवभूमि के अधिकारियों का दिल दिल्ली जाने के लिए ऐसे मचला कि एक के बाद एक अधिकारी के जज्बात जोर मारने लगे। हर कोई जाना चाहता था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, लेकिन अब केंद्र की सरकार बदली तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जो चले गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, और जिन्हें बुलावा आया है वो जाना नहीं चाहते। अब मुखिया जी भी खुश हैं उतरे खुमार से। अच्छा लक्षण ये है कि एक शौक जैसा कुछ अधिकारियों में था कि हम दिल्ली जाएं, लेकिन कुछ लोग इसको कभी कभी जो उनको ड्यूटी सौंपी जाती थी स्थानीय आधार पर एडजस्टमेंट ठीक न देखने के कारण भी जो है सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने की बात करते थे। कम से कम वो ट्रेंड डिस्करेज होना चाहिए। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के परिदृश्य में प्रदेश में टोटा पड़ गया था अधिकारियों का। इधर वापसी की जोर आजमाइश में लगे हैं अधिकारी, वहीं बीजेपी की माने तो ये आराम तलबी की आदत का मामला है, बाकी और कुछ नहीं। उत्तराखंड में अधिकारियों की जो मानसिकता है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काम चोरी की हो गई है, वो काम करना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पर जो देश के अंदर इसमें माहौल है और विशेष करके मोदी जी की सरकार का जो माहौल है वो ये है कि भाई काम करना है, तो लगता है वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत भी हो सकती है। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी लगते हैं अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के ग्लैमर से बाहर आते जा रहे हैं। जी हां, अब इसे केंद्र की मोदी सरकार की कार्यशैली को कारण बताएं या फिर उत्तराखंड में आराम तलबी की नौकरी करने की चाह, चाहे कुछ भी हो, उत्तराखंड के ज्यादातर आईएएस अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहते हैं, और जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं वो उत्तराखंड आना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, उत्तराखंड वैसे ही अधिकारी कर्मचारियों की कमी झेल रहा है, उत्तराखंड के लिए तो ये राहत की खबर है। बहरहाल दिल्ली में बदली सरकार और बदले माहौल के बीच उत्तराखंड के अधिकारियों का खुमार उतर चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सूबे के लिए शुभ संकेत है। देहरादून से पंकज पवार के साथ चेतन गुरुंग की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सवाल ये है कि आखिर क्यों अधिकारियों से जो खुमार है अधिकारियों का दिल्ली का, वो आखिर एकाएक क्यों उतर गया। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, सबसे पहले आपके पास वो अधिकारी जिनमें होड़ मची हुई थी कि वो दिल्ली जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, लेकिन आज एकाएक उनका ये खुमार क्यों उतर गया है। देखिए दो बातें हैं गायत्री जी, मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि उत्तराखंड में जो एलोकेशन है हमारा, उस एलोकेशन के अनुपात में हमारे पास अधिकारी बहुत कम है। 120 का ढांचा है और मैं समझता हूं कि करीब 35 से लेकर के 40 के बीच में आईएएस अधिकारियों की हमेशा उत्तराखंड में कमी रही है, और बहुत बड़ा बोझ तमाम एक एक अधिकारी के पास 5 से लेकर के 10 विभाग तक एक अधिकारी देखते हैं, जिसके कारण कार्य भी प्रभावित होता है। और उत्तराखंड के हिसाब से तो अगर प्रतिनियुक्ति में जाने का जो चार्म है, चार्म कहिए और एक मजबूरी भी रहती है, बाध्यता भी रहती है, केंद्र की सर्विसेज में जिनको जाना है, केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनको कभी भविष्य में जो चाहते हैं कि वह उनको वहां पर कुछ काम करने का मौका मिले, तो उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो प्रतिनियुक्ति पे जाएं। लेकिन ये बात सच है कि जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक प्रतिनियुक्तियों पर जाने वाले अधिकारियों की जो संख्या थी और जो उनमें प्रतिस्पर्धा थी वो बहुत ज्यादा थी, और अभी कुछ थोड़ा सा ये लग रहा है कि प्रतिनियुक्ति पे जाने का जो
दौर है उसमें कुछ कमी आई है। उत्तराखंड के हिसाब से हम इसको सही मानते हैं, उत्तराखंड के हिसाब से हम इसको शुभ संकेत मानते हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी 120 के सापेक्ष केवल 85 आईएएस अधिकारी उत्तराखंड में मौजूद हैं। करीब 35-36 का टोटा है, कम चल रहे हैं। उसी में जिलाधिकारी भी होते हैं, उसी में तमाम प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष भी होते हैं, उसी में मुख्य सचिव लेकर इस समय दो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रमुख सचिव हैं, फिर सचिव हैं, फिर अपर सचिव हैं। तो ये जो हायरार्की है, इसमें मैं समझता हूं जो कमी है, अगर प्रतिनियुक्ति पे जाने की प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी तो उत्तराखंड के लिए अच्छा ही है, बुरा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत है, सुरेश जोशी जी। लेकिन मनमोहन सरकार में ऐसा क्या था कि अधिकारी वहां के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, पूरी जोर आजमाइश लगा के बैठे रहते थे, लेकिन अब मोदी सरकार में ऐसा क्या हो गया कि कोई अधिकारी दिल्ली की तरफ देखना तक नहीं चाहता? नहीं, ऐसा कोई अधिकारी दिल्ली की तरफ देखना नहीं चाहता ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो अधिकारी दिल्ली की तरफ नहीं देखना चाहते हैं अब, जिनको ये लगता है कि दिल्ली जाकर के वो जो उनके मंसूबे हैं वो कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि प्रदेश के अंदर रह करके कम से कम मैं जिस बात को बार बार जिसका जिक्र करता हूं कि इस प्रदेश के अंदर अभी आदरणीय दसवाना जी ने बात कही कि अधिकारी कम है, ये बात निश्चित तौर पर है कि अधिकारियों की कमी है, लेकिन अगर 15 साल का आप इतिहास देखेंगे तो इस प्रदेश की विकास को किस तरह से अधिकारियों ने उलझा रखा है और किस तरह के अधिकारी आज प्रदेश में जो बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं और वो किस तरह से प्रदेश को चला रहे हैं, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मनमानी का दौर, मैं उसको राजनीतिक वो नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसा है कि जिस मनमानी के दौर से वो प्रदेश में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सरकार बदली है उस सरकार में मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में जाकर के वो जो उनका यहां काम करने का एक वातावरण है वो दिल्ली में उनको नहीं मिलेगा। इसलिए अब उनको लगता है कि भाई दिल्ली से तो बेहतर उत्तराखंड ही है, इसलिए उत्तराखंड में ही रहो और अपनी मनमौजी से जैसे चाहो वैसे काम करो। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, जो अपनी ड्यूटी को समझते हैं और जिनके अंदर सेवा का भाव है, जिस भाव को लेकर के उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ ली है, वो निश्चित तौर पर आज भी दिल्ली जा रहे हैं। कई अधिकारी चले गए प्रतिनियुक्ति पे दिल्ली और आगे भी जाएंगे, लेकिन वो अधिकारी अब दिल्ली कम से कम फिलहाल नहीं जाएंगे जिनको जो है कि जनसेवक के रूप में काम करने की आदतें नहीं रही है, या जो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेसी का जो है मैं कह सकता हूं कि एक दरोगा वाली स्टाइल पे या इंस्पेक्टर वाली स्टाइल पे काम करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा एक झटका हल्का सा लगा है। लेकिन ये इसको इस रूप में नहीं लिया जा सकता है कि आज जो है कि ब्यूरोक्रेसी या आईएएस अधिकारी अब दिल्ली जाना ही नहीं चाहता, दिल्ली भी जाना चाहता है, दिल्ली से लोग यहां भी आना चाहते हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि वो अधिकारी हैं जो काम चोरी करना चाहते हैं, अमिताभ जी वही मसला है जो सुरेश जोशी जी बता रहे हैं? सुरेश जोशी जी ने अपनी पार्टी को भी ध्यान में रखा अपनी टिप्पणी में, ठीक बात भी है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं अपने तजुर्बे से, अधिकारी कंफर्ट जोन में काम करना चाहते हैं, यहां थोड़ा इत्मीनान हो, क्योंकि नौकरशाही का भी ढर्रा बहुत विचित्र हो गया भारत में जी, ये तो सबको पता है। तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उत्तराखंड में तब भी कमी थी अधिकारियों की, ये तो जब से बना तभी से कमी है, कभी बराबर तो रहे नहीं, जितने चाहिए उतने तो कभी भी नहीं रहे उत्तराखंड में अधिकारी, तब भी उस कमी के बावजूद भी लोग भाग रहे थे दिल्ली, शत्रुघ्न सिंह और तमाम लोग, नाम लेने की जरूरत नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब चल खुसरो घर आपने, फिर वापस बैक टू उत्तराखंड? मुझे लग रहा है कि तब दिल्ली कंफर्ट जोन रहा होगा, अब लग रहा होगा कि दिल्ली कंफर्ट जोन नहीं है भैया, देहरादून कंफर्ट जोन है, वहीं चलो। मैं मानता हूं ये कंफर्ट जोन का मसला है, अधिकारियों को जहां ये लगेगा कि वो ज्यादा अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वर्चस्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, शासन को अपने हिसाब से संचालित कर सकते हैं, वहीं वो बैठना चाहेगा। जैसे बहुत प्रभावशाली मंत्री हो और थोड़ा मिजाज भी कड़क हो, उसके जिले में डीएम नहीं रहना चाहता आदमी, वो कहते ना वहां नहीं, वहां बवाल हो जाएगा, बाकी शांत जिले में रहना चाहता है जहां कम से कम कलेक्ट्री चले तो लगे तो क्या कलेक्टर साहब है, ठीक कहना दसवंत साहब? उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, वहां दरोगा से लेके कप्तान तक और लेक पटवारी से लेके डीएम तक कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि कोई ना डीएम डीएम रह लगता है वहां, ना कप्तान कप्तान लगता है,
डीएम स्टेनो लगते हैं, कप्तान सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं, तो वो कहते हैं बरेली में रहो कम से कम जलवा तो रहेगा। मुझे लगता है वैसे मामला है। सूर्यकांत धस्माना जी, क्या ये मसला कंफर्ट जोन का है? लेकिन फिर सवाल ये उठेगा, अधिकारी हैं उनको तो काम करना है, चाहे दिल्ली में करें या उत्तराखंड में। नहीं देखिए, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अधिकारी जो आईएएस अधिकारी है वो परमानेंट सरकार अपने आप को मानते हैं, और जो ये पूरे देश के अंदर है, ये केवल उत्तराखंड या दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर जो मानसिकता है इस वर्ग की, प्रशासनिक वर्ग में भी जो आईएएस कैडर है वो अपने को परमानेंट सरकार मानते हैं। और कंफर्ट जोन हो सकता है, कभी कभी अनकंफर्टेबल होते हो कई जगह पे, लेकिन उनका अपना काम करने का एक तरीका है। मेरा अपना ये मानना है कि जो जिसने काम नहीं करना, जिसकी आदत काम करने की नहीं है, वो चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे उत्तराखंड में रहे, चाहे पश्चिम बंगाल में रहे, चाहे कहीं रहे, वो उसका उसकी आदत बदल नहीं सकती। लेकिन हम जनरलाइज ना करें इस बात को। मैं समझता हूं कि प्रतिनियुक्ति की जो बात है, अमिताभ जी जानते हैं इसको बेहतर, कि प्रतिनियुक्ति में जाना पूरी सर्विस टेन्योर में जरूरी भी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको जाकर के सर्विसेज अपनी देनी है। और आने का जहां तक सवाल है उत्तराखंड में, धर्मान साहब एक बात कहूं, मैंने तो ये तो बाबू है, मैंने तो केंद्र के मंत्रियों को अनकंफर्टेबल देख रहा है इस दौर में। मनमोहन सिंह जी के समय में मंत्री जलवा कर रहा था, दफ्तर गया 15-15 दिन नहीं गया तो घर से चल गया, सेक्रेटरी घर पे बुला लिया। अब 9:45 बजते हैं तो कार्ड पंच करके अंदर होता मंत्री। हमने एक बार फोन कर दिया एक मंत्री को 3:30 बजे, तो बोले यार अभी बस खाने बैठा हूं, सुबह से खाने नहीं खा पाया। और पहले आलम यह था मंत्री जी के पास चाहे जब चले जाओ, वो कभी व्यस्त नहीं रहते थे। मंत्री काहे का व्यस्त भाई, व्यस्त रहे बाकी लोग, मंत्री तो मंत्री है। ये तो मैं देख रहा हूं, ये स्थिति तो मैं देख रहा हूं। एक चीज, एक बात, एक घटना बताता हूं आपको, ऐसा मैंने 25 साल में पहली बार सुना। एक मंत्री, नाम नहीं लूंगा, सुरेश जोशी की पार्टी के केंद्र में, उन्होंने मुझसे कहा कि अमिताभ जी बताओ कैसी नाइंसाफी, मुझे 4 विभाग दे दिए, मैं क्या क्या कर लूं, 24 ही घंटे होते हैं। मैंने आज तक यही सुना था कि 4 ही क्यों दिए, 4 और दो। ये पहली बार किसी मंत्री की मुझसे सुना कि मुझे 4 क्यों दे दिए। ये फर्क तो मैंने देखा भाई, जितना मैंने देखा मैं उतने की बात तो बता सकता हूं। धस्माना साहब, नहीं मैं अमिताभ जी, मैं काम करने का जो तरीका होता है हर एक व्यक्ति का अलग होता है। इस समय जो सरकार है केंद्र में, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है, उससे हम सहमत हो असहमत हो वो अलग बात है, हल्का हर एक अलग अलग, लेकिन सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। और ये बात देश के लिए बेहतर है, अगर वर्क कल्चर कोई विकसित करता है, कोई डेवलप करता है, चाहे डंडे के जोर पे करे, चाहे किसी भी जोर पे करे, अगर देश के अंदर वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति अगर कोई पनपा रहा है, तो उसमें हम कहीं इसलिए नहीं कि हम विरोध करने के लिए विरोधी हैं, वो अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, और वो किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सरकार के लिए ये बेहतरीन बात है कि अगर उसके मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स केवल इसलिए ना हो कि वो मंत्री की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए मंत्री हो, बल्कि जो उनको दायित्व दिए गए हैं, जो उनको कार्य करने हैं, उनका निर्वहन ठीक प्रकार से करें, ऐसा निश्चित तौर पर। सुरेश जोशी जी, मामला कंफर्ट जोन का है क्या? सामान्यता सबके लिए नहीं कह रहा, सामान्यता ये जो एकदम ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है, कंफर्ट जोन का ही मसला है। देखिए, अगर इन 20-25 सालों की राजनीतिक परिदृश्य को हम देश का देखें और प्रदेशों की राजनीतिक परिदृश्य को भी देखें, तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी भी पार्टियों के आधार पर बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी की ब्यूरोक्रेसी अपने को उसके हिसाब से ढालना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि कार्यशैली में ढालना चाहे वो तो अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छी बात है, प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या है कि अपने को कार्यशैली में न डाल करके अपने को व्यक्तिगत तौर पर ढालना चाह रही है, व्यक्तिवादी बनना चाह रही है। मैं उस पार्टी का मैं मेंबर हूं, मैं विचारधारा या आइडियोलॉजी से जुड़ रहा हूं। तो आज जो सरकार केंद्र में बनी है, उस सरकार ने साफ साफ इशारा ये कर दिया है कि भाई देश को इस समय वर्क कल्चर की आवश्यकता है, और ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस विकास की अवधारणा को लेकर के सरकार बनी है, और जो पूरे चुनाव के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में मोदी जी ने पूरी देश की जनता को बताया कि भाई हम ये करना चाहते हैं,
अगर इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी जैसे पिछले दौरान कर रही थी अगर वैसे ही काम करेगी तो निश्चित तौर पर वो सपना ना हमारा पूरा होगा ना देश का पूरा होगा। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जिसकी आदत कंफर्ट जोन की पड़ चुकी है वो निश्चित तौर पर रास्ते ढूंढ रही है। मैं इसको कह रहा हूं कि रास्ते ढूंढ रही है कि भाई किस रास्ते से हम कहां जाकर के कंफर्ट रहेंगे। तो बात इतनी सी है जो लोग काम करना चाहते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं जिन्होंने वाकई में इस देश की जिनको चिंता है वो दिल्ली भी रहना चाहते हैं उत्तराखंड में भी रहना चाहते हैं उत्तराखंड में रह के भी काम करना चाहते हैं दिल्ली में रह के भी काम करना चाहते हैं और वो ऐसे लोग भी हैं कि जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के आगे पीछे नहीं घूम रहे अपने वर्क को आगे करके वर्क डन करा करके काम कर रहे हैं। कंफर्ट जोन के लोग बहुत कम है ये अच्छी संस्कृति पैदा हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। जी अमिताभ जी मैंने ऐसे मेरे तमाम आईएएस अधिकारी मित्र हैं जब मोदी की सरकार आई 10-12 हज़ार में बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूं तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया दिल्ली आ रहा हूं है ना प्रोवेशन पे सबको रहता है मैं केंद्र में काम करेंगे जलवा जलाल बड़ा होता है देश के मालिक होते हैं तबा आ गए 5 महीने 6 महीने बीते बोले वापस जाने कोई रास्ता हो ढूंढ रहा हूं आ तो गए फिर उनको लगा नहीं गलत फंस गए ना अधिकारी को थोड़ा सा मैं सबके लिए नहीं कह रहा 100% के लिए मेरा टिप्पणी नहीं लेकिन दोनों राजनेता है रजमाना साहब भी और सुरेश भाई भी ये इन्होंने देखा होगा अधिकारी को थोड़ा इस बात कशन का शौक रहता है कि निकले तो 10-5 लोग सल्यूट पल्यूट गार्ड गन गनर बिल्कुल ताम झाम पूरा हो अब उसमें जहां कमी आती वहां उसका मन खिन्न होता है मैं सबके लिए नहीं कह रहा फिर कह रहा हूं ये देश में बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके भरोसे देश चल भी रहा है पर काम भी हो रहे हैं लेकिन डिलीवरी मैकेनिज्म में ढलने में अधिकारियों को दिक्कत आती है। उत्तराखंड में समस्या क्या है रजमाना भाई भी सहमत होंगे जोशी जी भी सहमत होंगे क्या समस्या है चाहे नारायण दत्त जी रहे हो स्वामी जी रहे हो कोश्यारी जी रहे हो निशंक रहे हो खंडूरी जी रहे हो कोई रहा हो या अब ये हो हरीश जी हो कोई मुख्यमंत्री क्या ही चाहेगा कि मेरा बाद में नाम खराब हो कोई चाहेगा कल को सूर्यकांत धस्माना मुख्यमंत्री हो जाए सुरेश जोशी हो जाए क्या ये चाहेंगे कि इतिहास में लिखा जाए नाकारा मुख्यमंत्री नहीं ना अधिकारी काम नहीं करना चाहते ना ये मैं नहीं कह रहा उत्तराखंड में हर दूसरे आदमी से आप पूछ लो वो यही कहेगा कि भाई ब्यूरोक्रेसी यहां की बड़ी खराब है तो सब तो झूठ नहीं हो सकते दो ही ब्यूरोक्रेसी एक बार बहस में मैंने कहा था एक ही टकसाल से निकल रहे सारे सिक्के धर्माना साहब कहीं वो सिक्के जबरदस्त परिणाम दे रहे हैं कहीं खोटे साबित हो रहे हैं कर्नाटका में यही उत्तर केंद्रीय लोक सेवा आयोग से निकले बच्चे कर्नाटका में परिणाम दे रहे हैं ना तमिलनाडु में दे रहे हैं महाराष्ट्र में दे रहे हैं ना गुजरात में दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में क्यों नहीं दे पा रहे वही आईपीएस जो पटेल इस अकादमी से हैदराबाद से ट्रेनिंग लेके आ रहा है वो कई राज्यों में अच्छी कानून व्यवस्था लागू की है और उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो पा रही या उत्तराखंड में मालूम नहीं हो पा रही आदमी वही है वही सिलेबस पढ़ के आया वही इम्तिहान पास करके आया क्यों कोई तो फर्क है ना रामलाल तमिलनाडु में जब तक पोस्टेड रहे परिणाम देते रहे उत्तराखंड में आगे परिणाम देना बंद हो गया अब इसको मैं रामलाल की कमी मानूं या सिस्टम की कमी मानूं एनवायरमेंट की कमी मानूं है ना ये बड़ा मौलिक सवाल है मिस्टर एक्स गुजरात में परिणाम देके आ गए उत्तर प्रदेश में आए तो सिफर में से सिफर घटाने लगे शून्य में से शून्य आदमी वही है टैलेंट भी वही है ऐसा तो है ना कि वो तमिलनाडु में कुछ इडली डोसा खा के बुद्धि ज्यादा परिष्कृत हो गई और यहां कम हो जाए ऐसा भी नहीं ये मामला है ब्यूरोक्रेसी आपके ही इस प्रदेश के बड़े नेता देश के बड़े राजनीतिक चेहरे रहे लंबे समय तक 3 दशक तक 4 दशक तक हेमतीनंदन बहुगुणा विजय जी के पिताजी वो कहा करते थे कि नौकरशाही जो है ना वो ऐसा घोड़ा है जो अपने सवार की जांघों का दबाव पहचानता है कि इसकी जांघों में जान कितनी है ये बात बहुत सरल कही लेकिन ये बड़ी मार्मिक बात है इसमें सारा सच छुपा है धस्माना साहब काम लेना भी आना चाहिए
और जिनको काम लेना आता है उन्होंने हिंदुस्तान के इन्हीं आईएसपी आईपीएस से काम लेके दिखाया है ना, नहीं दिखाया है ना। मेट्रो में काम करने के लिए लंदन से लोग थोड़े ना आए थे, नहीं ना, श्रीधरन थे तो रिजल्ट आया ना। रेलवे के प्रोजेक्ट में क्यों नहीं आता है जो रेलवे मंत्रालय करती है, नहीं आता ना। श्रीधरन थे तो परिणाम आया, आया ना, सबने देखा। इट्स डिपेंड्स ऑन लीडरशिप, कौन लीडर है उस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कंफर्ट जोन, सुविधा, इसके लालच से ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा परे होना चाहिए। आप जहां काम करें अपना 100% दें, और ऐसे अधिकारी होके उस इलाके को छोड़े कि 20 साल बाद भी लोग आपको याद करें। मैंने कई जिलों में ऐसे जिला अधिकारियों के नाम सुने हैं जो 20-30 साल पहले वहां कभी रहे हैं, लोग याद तक याद करते हैं। ऐसा काम हो, और राजनीतिक नेतृत्व पर यह जिम्मेदारी है रजमाना साहब जोशी जी कि वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जोशी जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।